हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज मैं कवर करने वाली हूँ 12 मार्च के जितने भी हमारे द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे उन सबको। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो हमारा पहला वर्ड है बार्ब, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है चुभने वाली बात, अ डेलिबरेटली हर्टफुल रिमार्क, किसी को जानबूझकर हर्ट करना, वो हमारा क्या होता है, बार्ब होता है। इनके सिनोनिम्स हैं इंसल्ट एंड स्नीर। नेक्स्ट इनके एंटोनिम्स हैं काइंडनेस एंड प्रेजेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिसीट। रिसीट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग है पीछे हटाना, गो और मूव बैक और फर्दर अवे फ्रॉम अ प्रीवियस, किसी चीज़ से पीछे हटना, वो हमारा क्या होता है, रिसीट। इनके सिनोनिम्स हैं अबेट, रिग्रेस एंड इनके एंटोनिम्स हैं इंक्रीज, एक्सटेंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, अवारा, एक्स्ट्रावेगेंट एंड इनके सिनोनिम्स हैं लस्टफुल एंड आउटरेजियस एंड इनके एंटोनिम्स हैं गुड एंड मॉरल डिसेंट, ये सारे इनके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नलीफाई करना। नलीफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रभावहीन, किसी पे कुछ भी असर ना हो, इफेक्ट ना हो, मेक लीगली नल और वॉइड, इनवैलिडेटेड। इनके सिनोनिम्स हैं रिवोक करना, अबॉलिश करना। नेक्स्ट इनके एंटोनिम्स हैं अप्रूव करना या अलाउ करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलाइन। अलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पंक्तिबद्ध करना, किसी चीज़ को एक सीमांत में लाना या एक स्ट्रेट लाइन में लाना, एक लाइन को फॉलो करना जो कि एक सीध में हो, एक सीधा में हो और एक लाइन में हो। प्लेस और अरेंज थिंग्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इनके सिनोनिम्स हैं अरे। अरे एक टेबुलर फॉर्म होता है जिसमें मतलब कि सेम टाइप के बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि हमारा एक्सेल सीट होता है वो सेम रो एंड कॉलम फॉलो करते हैं। और इनके सिनोनिम से अरे एंड एडजस्ट। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम से डिसऑर्डर एंड मैसअप, बहुत ही डिसऑर्डर अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहना, मैसअप पूरा हौचपोच रहना, वो हमारा इनके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोवेटियस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, लोभी, रेपेशियस, ग्रीडी, इनसेटिएबल एंड इनके एंटोनिम्स हैं मैग्नानिमस जेनरस एंड इनके एंटोनिम्स हो गए मैग्नानिमस एंड जेनरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लिक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बेरंग, सूना, डिसमल, विदाउट एनी रंग, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा सूना, कोई उसमें ब्राइटनेस नहीं है, कोई रौनक ही नहीं है, वो हमारा ब्लिक होता है। इनके एंटोनिम्स हैं ब्राइट एंड प्लीजेंट। नेक्स्ट हमारा इनके सिनोनिम्स हैं चेयरलेस एंड डेसोलेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडजंक्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सहायक, सप्लीमेंट्स एंड इनके सिनोनिम्स हैं एडिशंस, कॉम्प्लीमेंट, एंटोनिम्स इनके लेसनिंग, सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अकॉर्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अग्रीमेंट, एक सहमति होना। इनके सिनोनिम्स हैं हारमोनी, यूनिसन एंड इनके एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट एंड डिनायल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबॉन्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, अबॉन्डेंट, मीन्स कि प्रचुर मात्रा में होना, भरपूर होना, प्रचुर मात्रा में होना, प्रोलिफरेट। एंड इनके सिनोनिम्स हैं थ्राइव, फ्लोरिस, इनके एंटोनिम्स हैं डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट या डेफिशिएंसी, मीन्स कि कमी। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब। फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।